लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कोसी का बढ़ा डिस्चार्ज, तटबंध के अंदर बाढ़ से हालात। नेपाल से पानी छूटते ही तटबंध के अंदर बाढ़ से हालात बनने लगे हैं। कोसी का डिस्चार्ज 1,29,000 होने से तटबंध के अंदर कई गांव में पानी प्रवेश कर गया है। वहीं राजनपुर पंचायत के बिशनपुर पकियारा गांव पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी अनुसार महेशी प्रखंड के राजनपुर पंचायत अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर कोसी नदी के कछार पर बसा बिशनपुर पकियारा गांव कोसी के कटाव के कारण 3 बार विस्थापित हो चुका है। इस साल बरसात के शुरुआती दौर में ही कोसी के कटाव से ग्रामीण खौफजदा हैं। इन गांव के लोगों का बसना उजड़ना कई वर्षों से नियति बनी हुई है। वहीं विभाग व प्रशासन उदासीन बना हुआ है। जबकि बिशनपुर पखियारा की आबादी लगभग 2,500 है तथा दोनों टोला मिलाकर 300 के करीब घर हैं, कहते हैं ग्रामीण। ग्रामीण सौरभ चौधरी, अहमद हुसैन, कुलदीप चौधरी, बालेश्वर चौधरी, छोटे लाल चौधरी, हरे राम सद्दा, भागवत सद्दा, नरेश यादव, कौशल्या देवी, ललिया देवी, फुलिया देवी इत्यादि कहते हैं कि कोशी के कटाव घर के करीब पहुंच गया है। अगर इस बार अगर कटाव से बचाने का कोई उपाय नहीं होता है तो इस गांव का अस्तित्व मिट जाएगा। हम लोग 3 बार पहले भी विस्थापन का दर्द झेल चुके हैं। ग्रामीण कहते हैं कि 3 वर्ष पूर्व भयानक कटाव के कारण जब लोग विस्थापित हो गए तब विभाग की नींद खुली थी और बेम्बो पायला कर कटाव निरोधात्मक कार्य किया गया था। हालांकि वे भी कोसी के आगे नकारा साबित हुआ। सौरभ चौधरी कहते हैं कि 2 महीना पूर्व कोसी के कटाव से बचाने के लिए लघु सच्चाई से आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव से ग्रामीणों ने मिलकर आवेदन दिया था। ग्रामीणों ने कहा है कि आज से कोसी के जल स्तर में वृद्धि है जिससे कटाव थोड़ा थमा है, लेकिन जैसे कोसी के जल स्तर में कमी होगी कटाव तेज हो जाएगा। कहते हैं अधिकारी इस बाबत चांद्रायण डिवीजन के कार्यपालक अभियंता सईद अहमद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने भी फोन कर पकियारा बिशनपुर गांव के कटाव को बचाने का निर्देश दिया है। आज या कल पकियारा बिशनपुर गांव का नाप से दौरा कर शीघ्र सर्वेक्षण कर विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराकर शीघ्र कटाव निरोधी कार्य करवाने का कोशिश करूंगा।